हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीसीए पाठशाला। तो आज के इस लेक्चर में हम जियोमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से। ओके, इससे पहले मैं आपके लिए दो लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको जियोमेट्रिक मीन को निकालना बताया है एक इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, उन दोनों केस को आप देख सकते हो, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की, जिससे हम ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करेंगे केस नंबर वन में। ठीक है, इसके बाद केस नंबर टू को भी बताऊंगा आपको, पहले आप इसे समझिए। ठीक है, और ये सारा सब कुछ जो मैं करने वाला हूँ कैलकुलेटर की मदद से करूँगा और बहुत ही इजी भी मैं बताऊँगा, घबराइएगा नहीं। चलो तो फिर ले मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बता देता हूँ कि इस फर्स्ट केस का हमारा फार्मूला कौन सा होगा, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब देखिए जो इसका फार्मूला होता है उसे बहुत याद कर लें अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से काम में आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट, देखिए आपकी जो एफ है ना, ठीक है, और एक्स है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक्स ले लीजिए, एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट टेस्टा। ठीक है, एक्स के नाम दे देता हूँ मैं इसे। ओके, यानी कि एक्स जो है हमारी कई टाइम तक चल रही, फोर्थ टाइम तक चल रही, फोर्थ ही समझ लेना इसे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को हम पावर बना लेते हैं। एक्स के करस्पॉन्डिंग में थ्री है, तो थ्री उसकी क्या हो गई, पावर हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा एफ वन भी उसका पावर हुई, एफ टू भी उसकी पावर हुई, ऐसे आपकी एफ के उसकी पावर हुई। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस तरीके से करके वन अपॉन समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी कर दें। ठीक है, मतलब कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसका टोटल फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को आप एक और तरीके से ड्राइव कर सकते हो करना चाहें तो। आप सबसे पहले अंडर रूट बना लीजिए, और जब आप अंडर रूट बना लोगे तो उसके बाद में स्टूडेंट एक्स वन एफ वन ओके इंटू एक्स टू एफ टू ओके एंड डॉट 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 एक्स के एफ के ओके, और यहाँ पे आप वन अपॉन सॉरी यहाँ पे आप समेशन ऑफ एफ लगा दीजिए। ओके, आपका ये भी इस तरीके से फॉर्मूला हो सकता है, आप चाहें तो जैसे भी ड्राइव इससे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इस जियोमेट्रिक मीन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं इसे रफ कर लूँ। ओके, इस फॉर्मूले को नोट कर लें। चलो ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे अब हमें पता है हमारी एक्स कितनी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, है ना, एक्स के हमारी कितनी है स्टूडेंट। यहाँ पे एक्स की जो है एक है हमारी टू है, ठीक है, जो हमारी क्या है एक्स वन है, एक्स वन है ओके, और फोर वाली जो है हमारी एक्स टू है, एंड हमारी सिक्स जो है वो हमारी एक्स थ्री है ओके, और जो हमारी एट है वो आपकी कितनी है स्टूडेंट, एक्स फोर है ओके। इसी प्रकार आपकी एफ के आपकी कितनी है स्टूडेंट, पहले थ्री है, फिर आपकी एक सेकेंड एफ वन एंड फोर एफ टू एंड टू है, फिर आपकी एफ थ्री और फिर है आपकी वन एफ फोर ओके स्टूडेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं फॉर्मूले में पुटअप कर सकता था, लेकिन आपको बताना जरूरी है। ठीक है, पहले आपको एक्स के करना है, फिर एफ के इस तरीके से लिखना है, फिर उसको बात क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में आपको समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालना है। टोटल आपका कितना होगा, थ्री एंड फोर सेवन, सेवन एंड टू नाइन एंड वन टेन ओके। तो आपका समीशन ये निकला। अब देखो आपके पास वो सारी चीज़ें मिल चुकी जो हमें फॉर्मूले पुटअप करनी थी, अब वो कैसे देखिए स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला क्या था, जी एम इक्वल टू ठीक है एक्स वन एफ वन डेट डैश मैं कर देता हूँ, ठीक है समझ जाना, एक्स के एफ के ठीक है, वन अपॉन समेशन ऑफ एफ ठीक है। तो आप देखो एक्स के निकलाई हमारे पास सारी, एफ के सारी निकलाई, और हमारे पास समेशन भी निकला है जो कि हमें इसमें पुटअप करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं इसे पुटअप कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ से रफ कर दूँ। ओके, तो स्टूडेंट अब मैं इसे पूरे को रफ करता हूँ, आप एक बार इसे नोट कर लें। ओके, कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है जीएम के लिए, जी एम इक्वल टू ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले
टू उठा लेंगे, टू की पावर कितनी है थ्री। ओके फिर पॉइंट लगाया, ठीक है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके अब यहाँ पे फोर है आपका, तो फोर की पावर कितनी हो जाएगी फोर। इसी प्रकार सिक्स, तो सिक्स की पावर कितनी हो जाएगी टू। इसी प्रकार आपका एट है, तो एट की पावर कितनी हो जाएगी वन। ओके और मैं वन अपॉन इसका हमारा कितना निकला था समीशन ऑफ एफ टेन। ओके तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे टेन, तो इतनी चीज़ निकला स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैं इसे कैलकुलेटर की मदद से जल्दी से इसे सॉल्व करने वाला, चलो इतना तो हम कर ही लेंगे जब तक इस ब्रैकेट को फिनिश करते हैं। टू यानी कि एट, देखो दो टू टू या फोर एंड फोर टू या एट। ओके एंड फोर 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 या सिक्सटीन। ओके इसे चलो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ मैं फटाफट से। ओके चलो इसका निकला है स्टूडेंट आपका 256, ठीक है 256 यानी कि 256। ओके 36 का स्क्वायर हम हमें सबको पता है कितना होता है 36, और 8 तो 8 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी 1 पावर 1 अपॉन 10। अब आता है मेन, पहले अब इसको मैं पूरे को सॉल्व कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके इस कैलकुलेटर से, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा ये कितना निकलेगा देखो, 8 इंटू 256 इंटू 36 इंटू एंड 8। ओके तो ये हमारा निकल रहा है, एक सेकेंड स्टूडेंट। ओके तो ये देख सकते हो आपके सामने कितना निकल रहा है। ओके इस संख्या को हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ पे निकल रहा है आपका इकाई ढाई सैकड़ा हया दस हजार लाख 589,824। इस पूरी संख्या को आप लिख लीजिए, यहाँ पे कितना निकल रहा है 5898 24 5898 24। ओके तो इतनी की अब हमें पावर निकालनी है अंडर रूट में 10 की। तो आप कैसे निकालोगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात है, बिल्कुल है, आज मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। ओके तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ ट्रिक होती हैं, इसी वैल्यू को क्या है अब मैं नोट डाउन करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप ध्यान से देखना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर भी मैंने फर्स्ट केस में यही ट्रिक अपनाई थी जहाँ से कि मैंने ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट किया था, तो इसमें भी वही करने वाला हूँ। ओके तो मैं जो है यहाँ पे स्टेप नंबर वन, ठीक है स्टेप नंबर वन में मैं क्या बताऊँगा आपको, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, ओके मतलब यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ये वाली वैल्यू जो है हमारी, इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है टाइप करना है कैलकुलेटर में। ओके तो टाइप हम कैसे करेंगे, अब देखिए वही वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइप कर रखी है। ओके तो इसी वैल्यू के लिए अब आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में स्टूडेंट, सेकंड स्टेप जो है आपका उसमें आपको 12 टाइम क्या करना है अंडर रूट जो है आपको प्रेस करना है इस वैल्यू को एंटर करने के बाद में। अब देखिए ये वैल्यू मैंने एंटर कर ली है। ओके अब इस वैल्यू के बाद में आपको ये अंडर रूट नज़र आ रहा है, तो आपको ये 12 टाइम प्रेस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके अभी आप इस वैल्यू पे मत जाइए, आप इसे साइड में रख दीजिए। ओके अब इसमें जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसे आप फॉलो करें, थर्ड स्टेप अब आपको यहाँ से माइनस वन कर देना है इस वैल्यू में से। ओके तो आपने क्या किया यहाँ पे आई और यहाँ से आपने माइनस वन, ओके आपको इक्वल कर देना है। अब भी ना घबराएं, अब अगला स्टेप जो है स्टूडेंट उसे भी आप देखें अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर में हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड वाई पावर। अब ये कौन सी पावर है स्टूडेंट आपको मैं बताऊं, ये जो आपका टेन लिखा है ना ये, ओके ये आपकी पावर है, तो इससे आपको क्या करना है डिवाइड देना है टेन से इस वैल्यू में पूरी में। ओके तो आपके सामने ये वैल्यू है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करें। ओके और यहाँ से आपको 10 प्रेस करना है और इसके बाद इक्वल प्रेस करना है। अब बिना घबराएं, अब अगला स्टेप क्या है उसे आप देखें। ओके अब इसके बाद आपको क्या करना है अगले स्टेप में, मैं ब्लू से लिखता हूँ इसे, स्टेप नंबर फाइव आपको यहाँ पे प्लस वन कर देना है इस वैल्यू के अंदर। ओके तो आपने क्या किया प्लस किया
और यहाँ पे वन को आपने ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है उसे अब आप ध्यान से देखें। ओके, और आपकी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपने क्या किया था, 12 टाइम अंडर रूट किया था, अब इसी प्रकार मल्टीप्लाई और इक्वल आपको 12 टाइम टाइम प्रेस करना है। ओके, मल्टीप्लाई एंड इक्वल, अब कैसे, यही वैल्यू है आपकी। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई और फिर इक्वल, वन टाइम हो गया, ठीक है। इसके प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, यानी कि 3.78 36 आप लिख सकते हो, या 3.78 भी से लिख सकते हो, कोई गलती वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं लिखूंगा 3.78। ओके, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट हो चुका है 3.78। ओके स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस से हमारी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। आई होप आपको ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट केस में आसानी से निकालना आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे अगले केस में कि हम एक एंटी लॉग और लॉग की मदद से इस केस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें हम केस नंबर 2 से ज्योमेट्रिक मीन को निकालेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया है और आपकी मीन, आपको ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना आ गया है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप हमको कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।